हेलो फ्रेंड्स, रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के लिए कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूं और इसे घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है और आप इसे होली के अवसर पे एज ए इवनिंग स्नैक्स बना सकते हैं। तो चलिए क्रिस्प पालक कॉर्न कटलेट करते हैं। कॉर्न कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, उबले हुए आलू 4 से 5 पीस, ब्रेड स्लाइसेस 2 से 3 पीस, हरा मिर्च 2 पीस बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, बॉइल्ड कॉर्न 4 टेबलस्पून। मसालों में हमें चाहिए गरम मसाला 1/3 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स 4 to 5 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर 4 टेबलस्पून। कटलेट को फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए हमें। आप एक बर्तन लें, बारीक कटा हुआ पालक डालें, उबले हुए आलू को मैंने यहाँ मैश कर लिया है, इसे भी आप ऐड कर लें। 2 पीस ब्रेड स्लाइसेस लें, मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथों की सहायता से इसे बारीक चूरा कर लें और कटलेट के मिक्सचर में ऐड कर दें। यहाँ पर हम ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। अब आप इसमें बॉइल्ड कॉर्न ऐड कर दें। अब आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब आप इसमें मसाले ऐड करें, तो सबसे पहले हम डालेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम डालें, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर, गरम मसाला। और अब आप इसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और अब आप इस मिक्सचर को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मुझे यह मिश्रण अभी थोड़ा गीला लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर और ऐड करूंगी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी। और इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमारा कटलेट अच्छे से बनकर तैयार हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया इस मिश्रण को बनाने में। अब आप देख सकते हैं कि मिश्रण बिल्कुल रेडी है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर हमने कटलेट बनाने के लिए रेडी कर लिया है। अब आप 1 टीस्पून ऑयल अपने हाथों में लेकर अपने हाथों को चिकना कर ले और कटलेट के मिश्रण से एक छोटा लोई तोड़कर उसे हाथों की सहायता से कटलेट का शेप दे। और अब आप इस कटलेट को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर ले और प्लेट में निकाल कर साइड में रख ले। तो चलिए हम दूसरे शेप का भी कटलेट बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेके उसे कटलेट का राउंड शेप देंगे हम। और अब हम उसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे दोनों तरफ से।
और इसे प्लेट में निकालकर किनारे रख लें। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए कटलेट को भी आप बनाकर तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे दो शेप के कटलेट बनाए हैं, राउंड और सिलेंड्रिकल। आप चाहें तो अपने मनपसंद कुकी कटर शेप लेकर और अपने बच्चों के लिए डिफरेंट शेप के भी कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारे कटलेट को अच्छी तरह से शेप देकर तैयार कर लिया है। अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दें। चाहे तो इसे इंस्टेंट भी डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मिनिमम हाफ एन आवर इसे रेफ्रिजरेटर में जरूर सेट करने के लिए रखें। आप चाहे तो इस कटलेट को जिपलॉक बैग में स्टोर करें और रेफ्रिजरेटर में रखें और होली में आए हुए मेहमानों को तुरंत ही इस कटलेट को डीप फ्राई करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। तेल को गर्म होने के लिए रख दें और रेफ्रिजरेटर से मैंने कटलेट को निकाल लिया है, 30 मिनट्स हो चुके थे। तेल गर्म हो चुका है और अब हम एक एक कर कटलेट को ऑयल में डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। आप कटलेट को लो टू मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट्स के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। कटलेट हमारा एक तरफ से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कटलेट गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। अब आप टिश्यू पेपर पे कटलेट को एक एक कर निकाल लें। बाकी बचे हुए कटलेट को भी इसी तरह डीप फ्राई कर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी पालक कॉर्न कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया है धनिया और टमाटर की चटनी के साथ और टमाटो केचप और मेयोनीज के डिपिंग के साथ। आप चाहें तो इसे अपने मनपसंद डिपिंग के साथ एंजॉय कर सकते हैं और होली के अवसर पे आप इस कटलेट को बनाना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़रूर इवनिंग स्नैक्स के रूप में अपने गेस्ट को सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत रंगों भरी उमंगों भरी शुभकामनाएं। सो हैप्पी होली।